सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का दिन बहुत ही ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे एमबीए का पहला दिन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ आज अपने एमबीए का फर्स्ट डे शेयर करूं। तो चलिए अभी बस नहाएंगे धोएंगे और कॉलेज के लिए निकलेंगे, तो बस आप लोग जुड़े रहिए। आज है मेरे कॉलेज का पहला दिन, तो मम्मी आप कुछ कहोगी? ऑल द बेस्ट कहेंगे बेटा, विजय भव। हमारे यही माँ का यही शुभकामना है कि बच्चा हमारा जहाँ भी रहे खुश सलामत रहे बस मेरे। तो चलिए चलते हैं कॉलेज सीधा। बहकी सभी जुबा है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो फाइनली कॉलेज पहुंच गए हैं और ये रहा मेरा कॉलेज, आप लोगों को दिखाता हूं। ये रहा बीके स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। देखिए कैंपस देखते हैं, ये है ग्राउंड फ्लोर। गौर से देखिए इस ग्राउंड फ्लोर को अच्छे से। ये है फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे दो ही फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। ये देखिए राउंड में जहाँ लेक्चर्स होते हैं, क्लास होती है, ये है कैंपस। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, एक बहुत ही गंभीर सवाल मेरे से पूछा जा रहा है, जो कि मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव सब ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि शैलेश क्या तू एक्टिंग छोड़ रहा है? जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी रखा है कि एक्टर वाया एमबीए, तो उन सबको मेरा जवाब है नहीं। मैं एक्टिंग नहीं छोड़ रहा, एमबीए मेरी एक एक्टिंग जर्नी का ही एक पार्ट बनने जा रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर होना एक फुल टाइम कमिटमेंट है और एमबीए मेरे अंदर एक स्किल को ऐड ही करेगा एज एन एक्टर। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं एक्टर था, एक्टर हूँ और एक्टर रहूँगा। और जैसा कि मैंने मेंशन किया, एक्टर कोई होना एक टैग नहीं है, एक्टर मैं हूँ। मेरे को कोई इसमें स्थापित करने की या प्रूफ करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। एक्टर का मतलब क्या है पहले आप लोग वो समझिए, और एक्टर होना एक लाइफ के साथ कमिटमेंट है जो कि मेरी हमेशा रहेगी। तो बस इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे और आप लोग इन्जॉय करिए। और ये मैं क्लासरूम में एंट्री लेते हुए तो आपकी जर्नी आज से हम लोग शुरू करने वाले ऑफिशियली। तो आप जब लोग यहाँ पर आ चुके हो बाई चौंक, बाई चांस और बाई चॉइस, ठीक है, आपने से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो आपने फिल्म देखी ना, ये किससे बनेगी पता है? ये आप ही की तरह स्टूडेंट है हमारे, खुद उन्होंने खुद बनेगी, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट के साथ कोई ना कोई स्किल होती है ना, कोई भी। अभी एक बंदा नील ये हमारा आईडी है, होता है सब लोगों का होगा, वो मेरा भी होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। द इंडस्ट्री विच यू हैव चूजन इज हैविंग टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स, एकेडमिक्स हर कॉलेज में होना है ना, कोई भी कॉलेज में जाओगे तो पढ़ाया तो जाएगा ही, बट आपका जो ओवर को क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। हमको हमारी सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, आपका डेवलपमेंट होगा, आप स्टे करेंगे, कुछ सीखेंगे, है ना, मार भी खाएंगे, पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी करेंगे हम लोग अगर आप काम नहीं करेंगे तो, बट डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द टू इयर्स आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा और आप कितने डिफरेंट है बाकी सारे। एंड वी आर ऑल इनएक्सपीरियंस पर्सन एंड वी डोंट हैव रेलवेज, तो कमोडिटी वाज कूल, बैकअप एरिया वाज देयर, अनलोडिंग करने के लिए टू गेन नॉलेज अबाउट मार्केटिंग दे कैन कम टू मी, दो यू आर सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आर
maritime management students, but marketing is always a key area where nice match, at least boys is coming. So, everything has been briefed by my colleague Dr. Raghav Acharya as well as Suresh. I hope that seniors have all. तो आज का दिन समाप्त होता है। आज का दिन ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं, बेसिक ओरिएंटेशन था क्लास में, बस एक या डेढ़ लेक्चर हुआ। तो आज का दिन समाप्त करते हैं और इस वीडियो का भी एंड यहीं पे करते हैं फिर इसी के साथ। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल राय साहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।